हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो का नया अपडेट जो कि अभी हाल ही में आया है, वह है इलेक्ट्रिक ईल। पहले जो था वो अलग था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ईल नाम से आया है अपडेट, ठीक है। तो इसको आप अपडेट कर लेंगे। इसको अपडेट करने का तरीका है कि आप सबसे पहले आपको हेल्प सेक्शन के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे चेक फॉर अपडेट, तो आपको मिल जाएगा अपडेट मन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। जो भी पुराने चला रहे होंगे तो आप नया आप यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन अपडेट करते समय ये ध्यान रखिएगा नेट आपका ऑन होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि यह जो होने वाला है अपडेट, जो इसका साइज होने वाला है वो 495 MB के आसपास होने वाला है, तो ये नया आने वाला है अब, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही मतलब अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, उसको अपडेट करेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे उसके बाद से। तो जब रिस्टार्ट कर देंगे तो आपको ये सारे के सारे फंक्शन मिल जाएंगे और नया खुलेगा आपको पूरा का पूरा, इसमें पैचे इंस्टॉल होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे नेट ऑन रखिएगा, ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा रिस्टार्ट कर लेगा, ठीक है, और बना देगा इसको मतलब पूरी तरह अच्छे से मतलब अपडेट कर लेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में नया नया बहुत सारे फीचर आए हैं। सबसे पहले तो नया लॉकेट आया है इसमें, हम देखते हैं कि इसमें आप कैसे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको कैसे हम अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस नए जो हमारा आया है वर्जन में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए हमारे ये एंड्रॉइड में बहुत सारे फंक्शन है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे के सारे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए पुराना आपके पास प्रोजेक्ट है उसको आप मान लीजिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं ऑलरेडी एक ओपन किया हूँ यहाँ पे टिकटॉक रूट, और यहाँ पे जैसे आप ओपन यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको कोई भी आएगा पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, मांग रहा है प्रोजेक्ट अपडेट रिकमेंडेड। मान लीजिए इससे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप मिल रहा है बिगिन अपग्रेड अभी करना चाहते हैं या टुमारो या फिर टर्न रिमाइंड विद प्रोजेक्ट। तो देखिए अभी यहाँ पे जो मेरा पहला वर्जन था वो हमारा था 7.3.1, लेकिन अभी जो हाल ही में आया है वो आया है 7.4.0, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें इसमें फीचर आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे अभी अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं करना होता है, उसके बाद और भी ऑप्शन क्लिक करने होते हैं, और वो होगा हमारे यहाँ पे जो रन सेलेक्टर स्टेप, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना कि 7.3.1 से 7.4.0 में क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, कभी देखिए हमारा पहले क्या वर्जन है और अब क्या चल रहा है, तो ग्रेडर स्कीम चलेंगे और आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे वर्जन हमारा चेंज होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्जन है यहाँ पे तो नहीं होता है, और हमारा बिल्डर गैलर के अंदर होता है और यहीं से आपको चेंज होगा। देखिए 7.3.1 हमारे यहाँ पे है, देख रहे हैं जैसे कि जैसे अभी मैं अपडेट करूँ यहाँ पे ना इस पे, तो 7.4.0 हो जाएगा, अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन इसके बाद हमको एरर मिल सकता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा बाद में आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा। देखिए एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वैसे में एरर मिलता है, देखिए इस बार देखते हैं एरर मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो 7.3.1 वर्जन से 7.4.0 हो जाएगा, और इस बार ध्यान रखिएगा हमेशा MB मतलब लेगा या डाटा लेगा। तो नेट ऑन करके देखिए यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेडर यहाँ पे सिंक कर रहा है और 120 MB के आसपास डाटा लेगा इसको मतलब अपग्रेड करने के लिए। तो ये ध्यान रहे कि नेट ऑन रहना चाहिए, यदि नेट ऑन नहीं रहेगा तो फिर वही होगा, फिर दोबारा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे पास चेंज हो जाएगा और फिर हो सकता है। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पास करके रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी 6.3 MB इंस्टॉल हुआ है, अब 120 MB चाहिए तो काफ़ी लंबा समय हो सकता है, ये मैं नहीं चाहता इतना समय लेने के लिए, तब तक के लिए वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 120 में हमारा 113 MB लगभग डाउन हो चुका है, अभी भी हमारा चल रहा है, तो अभी जब तक 120 नहीं हुआ तब तक ये पूरा नहीं होगा। देखते हैं क्या इसके बाद हमको एरर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी देखना होता है, क्योंकि यह हो सकता है कि प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड ही ना हो बाद में, तो वही भी दिक्कत हो सकता है। अभी हम यहाँ पे इसको चला रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो यहीं तक है, अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी देखिए हमारा पूरा हो गया है, 118 हो गया है, और 120 के बाद देखते हैं क्या होता है, कि पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह सिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर एरर आएगा तो फिर हमको कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से, 7.4.0 वर्जन चल रहा है, फिर यहाँ पे 7.3.1 से हम इसको नेक्स्ट वर्जन ले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी यह हमारा रन हो रहा है, देखते हैं अभी कितना टाइम और लेगा या ग्रेड अभी। हालांकि अब नेट पर भी निर्भर करता है कि इसका स्पीड कितना फास्ट होगा, तो अब तक लिए फिर इसको देखते हैं कि पास करना पड़ेगा या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फाइल को लोड है, यदि इंटरनेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, और आप यहाँ पे नेट ऑन करके रखे रहिएगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे फाइल कोई भी कर रहा है या 120 MB के बाद भी, और अभी एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड कर रहा है, तो इसमें भी डाटा चाहिए होता है,
यदि डाटा नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे बीच में ही प्रोग्राम रुक जाए। शायद अब लग रहा है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे डाउनलोड कर चुका है फाइली, अब देखते हैं कितना और समय लगेगा इसमें। देख रहे हैं यहाँ पे 8 मिनट पहले हमारा ग्रेडल सिंह स्टार्ट हुआ था, 8 मिनट से ऊपर लग गए हैं इसको चलने में। अभी मैंने वीडियो को बीच में पास किया था, वरना यहाँ पे बहुत समय लग गया होता। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ बीच बीच में कि कहाँ पे या कितना समय ले रहा है। 8 मिनट हो गया है ग्रेडल सिंह स्टार्ट हुए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कितनी फाइल डाउनलोड कर रहा है यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे MB में सब हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 9 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया लगभग, और 10 मिनट में देख रहे हैं लगातार ये फाइल डाउनलोड करता जा रहा है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फाइलें डाउनलोड कर रहा है अभी, और नया अभी जो आया वर्जन बहुत सारा समय ले रहा है यार डाउनलोड करने में, इतने सारे मल्टीपल या डाटा ले रहा है। अगर तो डाटा नहीं रहेगा तो ये पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाटा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये डाउनलोड ही नहीं होगा। इतने सारे फाइल हैं और सारे के सारे देखिए इतने फोल्डर वोल्डर है, सब के सब बना रहा है यार, क्योंकि अभी नया हुआ है तो 7.31 से 4.0 में जाने में थोड़ा समय लगेगा इसको। देखते हैं अभी कितना फाइल या और डाउनलोड करना चाहते हैं अपने अंदर। लगभग हमारा यहाँ पे ख़त्म होने वाला है शायद, यहाँ पे देखिए लास्ट चल रहा है, तो अब शायद ख़त्म हो जाए, अब शायद नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है, कहीं एरर तो नहीं आएगा। मैं वीडियो को लगातार 11 मिनट तक पास किया हूँ, नहीं तो यह 11 मिनट लंबा वीडियो और वो बढ़ जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी चल ही रहा है, पता ना कितना और समय लगेगा, तो कोई गारंटी नहीं इसका। देखते हैं तब तक फिर पास करते हैं, और अभी फिर से और डाउनलोड करना शुरू कर दिया, पता नहीं और कितना डाउनलोड करेगा या। अब मेरे ख्याल से इस बार लास्ट होना चाहिए इसका। अभी यह ग्रेटर बिल्ड मॉडल को यह सिंक्रोनाइज कर रहा है, अभी देखते हैं और क्या आगे करता है। दोस्तों अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि 17 मिनट 9 सेकंड लगभग लग गया है यहाँ पे टोटल, और 9 दफ़ा मिली सेकंड यहाँ पूरा सिंक होने में, और सिंक सक्सीड यहाँ पे हो गया अब, यानी कि 7.3.4 वर्जन से हमारा 7.4 वर्जन चल गया है, और अब पूरा अपग्रेड जो वर्जन हमारा ग्रेडल वर्जन हमारा 7.5 हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हम चेंज जो करेंगे वो यहाँ पे पूरी तरह चेंज हो गया होगा, यहाँ पे नहीं जो कि यहाँ पे जो हमारा अभी 7.3 था, यहाँ पे 1, अब देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 7.4.0 हो गया हमारा। ठीक है, यही क्या हुआ हमारे यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, और यही सबसे मेन होता है, यदि यही यहाँ चेंज नहीं हुआ समझ लीजिएगा कि आपका एरर आएगा। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिखाया कि कैसे सक्सेसफुली इसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको अगर एरर आ रहा होगा इस तरह से, आप इसको रिस्टार्ट करिएगा एक बार, हो सकता है हो जाए यहाँ पे। लेकिन मेरा अभी देखिए कम्प्लीटली यहाँ पे बहुत सारे ये फाइल को डाउनलोड किया था, तो अगर थोड़ा सा भी एक भी फाइल मिस हो गया और डाउनलोड नहीं हुआ तो आपको एरर तो मिलेगा ही। इसलिए नेट हमेशा यहाँ पे जब भी इसको इंस्टॉल करिएगा मतलब अपग्रेड करिएगा, तो उस दौरान नेट ऑन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको चेंज हो गया ना 7.4.0 वर्जन, तो समझ लीजिए कि आपका अपडेट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7.3 वर्जन आपको मैं पहले ही दिखाया था जब आप शुरू में देखे होंगे, तो लेकिन अब जो हुआ है यहाँ पे इसका वर्जन हमको चेंज हो चुका है, और इसके अलावा और सारे फाइल भी तब यही होते हैं। तो मेन हमारा यही था कि कैसे इसको अपग्रेड किया जाता है और एरर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि एरर आया ही नहीं, कारण ये है कि यहाँ पे मैंने पूरी तरह सक्सेसफुली पूरी तरह से यहाँ पे क्या था सही था, तो कोई एरर आने के चांस नहीं था। और ये बहुत ही नया वर्जन है, तो इसमें बहुत सारे फाइल नए नए आए हैं, तो उसको डाउनलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है,